सस्पेंस आया है तो हम उसको सस्पेंस अकाउंट के नाम से शो करते हैं, ठीक है, और उसको बैलेंस शीट में दिखाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस एक नेसेसिटी है फाइनल अकाउंट्स की। ये आपका पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था। दूसरा है आपका ट्रीटमेंट ऑफ आइटम्स शोन इन द ट्रायल बैलेंस। ऑल द आइटम्स विच अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस आर शोन ओनली वंस, दैट इज सच आइटम्स आर शोन आइदर इन द ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इन द बैलेंस शीट। सारे आइटम्स जितने भी ट्रायल बैलेंस में आते हैं उनको हम एक बार दिखाते हैं, यानी कि उन आइटम्स को या तो हम ट्रेडिंग में दिखाएंगे, या हम प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे, या हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। इन तीनों में से किसी एक जगह पर एक ही बार दिखाएंगे, ठीक है। जैसे इन्होंने नीचे बोल रखा है, आइटम्स अपीयरिंग ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, जो डेबिट साइड ट्रायल बैलेंस में जितने भी आइटम्स होते हैं, दे आर शोन आइदर ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। जैसे जो आइटम्स डेबिट साइड में लिखे जाते हैं ट्रायल बैलेंस में, वो या तो ट्रेडिंग के डेबिट साइड में लिखे जाएंगे, या प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखे जाएंगे, या एसेट साइड में लिखे जाएंगे बैलेंस शीट में। मतलब तीनों में से किसी एक जगह पर डेबिट साइड या फिर एसेट साइड लिखा जाएगा, ठीक है। आगे आपका आइटम्स अपीयरिंग ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, अब वो आइटम जो क्रेडिट साइड लिखे जाते हैं, ठीक है ना, दे आर शोन आइदर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। मतलब या तो वो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में दिखाए जाएंगे, या वो प्रॉफिट एंड लॉस के ट्रेडिंग साइड में दिखाए जाएंगे, या फिर वो लायबिलिटी साइड दिखाए जाएंगे बैलेंस शीट पे। ये वो आइटम्स हैं जो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में आते हैं, ठीक है। तो ये आपका दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ आइटम्स शोन आउटसाइड इन द ट्रायल बैलेंस। आइटम्स विच अपीयर आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस आर नोन एज एडजस्टमेंट। आइटम्स जितने भी ट्रायल बैलेंस में आउटसाइड दिखाए जाते हैं, मतलब जो ट्रायल बैलेंस बना हुआ होता है उसमें नहीं होते और बाहर की तरफ दिखाए जाते हैं, उनको हम एडजस्टमेंट्स कहते हैं। दे आर शोन एट टू प्लेसेस, ये दो जगह दिखाए जाते हैं। जो एडजस्टमेंट है आप उनको दो जगह शो करेंगे, पर जो ट्रायल बैलेंस में आइटम्स है वो आप उनको सिर्फ एक ही जगह शो करेंगे, किसी भी एक अकाउंट में, ठीक है। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, when closing stock is given outside the trial balance, जब closing stock trial balance के बाहर की तरफ दिया हुआ होता है तो हम उसको credit side में दिखाते हैं trading account के, ठीक है, और asset side में दिखाते हैं balance sheet के। यानी कि दो treatment हो गई closing stock की, एक तो हमने credit side दिखाया trading account के और एक हमने balance sheet के asset side दिखाया, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है आपका ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंट्स रिलेटिंग टू गुड्स, यानी कि सारे अकाउंट्स, ऑल अकाउंट्स रिलेटिंग टू गुड्स सच एज परचेजेस, सेल्स, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न आर रिटन इन द ट्रेडिंग अकाउंट। जितने भी अकाउंट्स गुड्स से रिलेटेड है, चाहे वो परचेज अकाउंट हुआ, सेल्स हुआ, परचेज रिटर्न हुआ या सेल्स रिटर्न हुआ, ये सब गुड्स से रिलेटेड अकाउंट्स है, इन सबको हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं, ठीक है। फिफ्थ है आपकी ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस इन द ट्रायल बैलेंस। अब एक्सपेंसेस का कैसे ट्रीटमेंट होता है ट्रायल बैलेंस में, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फैक्ट्री प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, परचेज ऑफ गुड्स, जितने आइटम फैक्ट्री से रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है और गुड्स के खरीदने से रिलेटेड है या सोल्ड करने से, ठीक है,
यहाँ पर खरीदने से रिलेटेड है तो हम उनको डेबिट करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। जो रिमेनिंग एक्सपेंसेस है हम उसको, जितने भी रिमेनिंग बच जाते हैं उनको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं और उनको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड शो करते हैं, ठीक है। अब सिक्स पॉइंट है ट्रीटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन द ट्रायल बैलेंस। सिक्स पॉइंट है आपका ट्रीटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन द ट्रायल बैलेंस। जितने एसेट्स हैं ऑल द एसेट्स गिवन इन द ट्रायल बैलेंस आर शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। जितने भी एसेट्स ट्रायल बैलेंस में गिवन होते हैं उनको हम एसेट साइड दिखाते हैं बैलेंस शीट में, और जितनी भी लायबिलिटीज हैं उनको हम लायबिलिटी साइड दिखाते हैं बैलेंस शीट में, ठीक है। सेवेंथ और आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ट्रीटमेंट ऑफ आइटम्स इन द एब्सेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस। जब ट्रायल बैलेंस नहीं होता तब हम आइटम्स को कैसे ट्रीट करते हैं। एट टाइम्स ट्रायल बैलेंस इज नॉट गिवन, कभी कभी ऐसा होता है ट्रायल बैलेंस नहीं दिया हुआ होता है, सिर्फ आइटम्स की लिस्ट दी होती है, ठीक है। उस केस में अगर क्लियरली स्टेटेड नहीं है तो या तो वो पर्टिकुलर आइटम एक्सपेंस होगा या इनकम होगा, ये हमें स्टेटेड नहीं है कि वो इनकम है या एक्सपेंस है, तो हम उसको एक्सपेंस मानते हैं, खर्चा मानते हैं। अगर ये मेंशन नहीं है और ट्रायल बैलेंस भी नहीं बना हुआ है, केवल आइटम्स की लिस्ट दी हुई है, तो हम उसमें जो भी हमारा आइटम है उसको हम एक्सपेंस मानेंगे। मान लो अगर केवल डिस्काउंट दिया हुआ है तो हम उसको डिस्काउंट अलाउड मानेंगे, मतलब हमने अलाउ किया, ठीक है, और उसको डेबिट साइड शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है चिल्ड्रन। किसी को भी कोई डाउट हो इन पॉइंट्स में तो आप मुझसे मेरे लेक्चर के ओवर होने के बाद आई विल गिव यू सम टाइम, यू कैन आस्क मी, क्योंकि मैं आपकी शक्ल देख के ही आपके डाउट्स बताऊंगी। अब हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने जा रहे हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 का की बैलेंस शीट दे रखी है, मतलब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना रहा हूँ, बैलेंस शीट भी दे रखी है, बनानी है। ये हमें कुछ आइटम्स दे रखे हैं, ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक हमें बाहर की तरफ दे रखा है 6000, क्योंकि बाहर की तरफ है तो हम इसको दो जगह लिखेंगे, एक तो हम इसको ट्रेडिंग में दिखाएंगे, एक हम इसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया। अब हमने प्रिपेयर कर लिया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फॉर्मेट वही है, पर्टिकुलर अमाउंट यहाँ डेबिट वहां क्रेडिट। डेबिट में आप सबसे पहले ट्रेडिंग की चीजें लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक जैसे परचेजेस, वेजेस, जितना भी चीजें दे रखी है। बाय साइड आप वो सारी चीजें लिखेंगे, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक। अब देखिए क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर आया है, ठीक है, दोनों साइड का टोटल करके जो डिफरेंस आया वो या तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या ग्रॉस लॉस आएगा। यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट आया है तो हमने उस ग्रॉस प्रॉफिट को लिख दिया और ट्रांसफर कर दिया पीएनएल में। जो ट्रांसफर किया वो हमारा नीचे आ गया बाय ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से। अब हमने टू साइड सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखे जितने भी गिवन है, फिर हमने दोनों साइड का टोटल किया, जो डिफरेंस आया वो हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कहलाएगा, यहाँ पर नेट प्रॉफिट कहला रहा है, उसको हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से दोनों साइड का टोटल बराबर आ जाएगा। अब हम प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट।
बैलेंस शीट आपकी, आप लायबिलिटीज अमाउंट लिखेंगे, एसेट्स अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। ऊपर आपको ये शो करना जरूरी है बैलेंस शीट एज एट जो भी डेट या ईयर दे रखा हो या मंथ दे रखा हो। लायबिलिटी साइड आपने सारे अपने सन्ड्री क्रेडिटर्स, कैपिटल लिख लिया, उसमें ओपनिंग बैलेंस, नेट प्रॉफिट ऐड कर लिया, ड्रॉइंग्स लेस कर दी। एसेट साइड आपने सारे एसेट्स लिख दिए, प्लांट एंड मशीनरी, सन्ड्री डेटर्स, बैंक। और एक और नई एंट्री हुई है यहाँ पर, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हम दो जगह दिखाते हैं, एक तो ट्रेडिंग में, क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस के बाहर की तरफ था, तो हमने ट्रेडिंग में भी दिखाया और हमने बैलेंस शीट में भी दिखाया। इस तरीके से हमने दोनों साइड का टोटल किया और दोनों साइड का टोटल हमारा मैच किया, हमारे सब कुछ सही बना है। अगर बैलेंस शीट मैच है तो हमने सब कुछ सही बनाया। तो यहां तक किसी को कोई डाउट है बच्चों तो यू कैन आस्क मी। चलिए ठीक है, मैं आगे बढ़ती हूं। अब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक और मेथड से दिखा सकते हैं। वर्टिकल फॉर्म में हम दिखा सकते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल में तो मैंने आपको टी फॉर्म में दिखाते हैं, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो मैंने आपको बता दिया अभी, ठीक है। वो था आपका हॉरिजॉन्टल। एक वर्टिकल फॉर्म और होती है जिसमें आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, यानी कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाते हैं, वो ये होती है स्टेटमेंट। आप ये देख लेना, डेबिट साइड आपके, आपको डेबिट साइड आपको लिखना है, फॉर्मेट ऐसे बनाना है, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, 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 ठीक है। और यहाँ पर क्रेडिट है, सबसे लास्ट वाला जो अमाउंट है वो क्रेडिट साइड है, बाकी ये डेबिट साइड है, ठीक है। सबसे पहले आप इसमें लिखेंगे ए, यानी नेट सेल्स, जिसमें आप ग्रॉस सेल्स लिखेंगे और उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे, तो वो अमाउंट आप दिखाएंगे वहां पर, ठीक है। पहले वाले कॉलम में नहीं दिखाएंगे, आप दूसरे वाले कॉलम में दिखाएंगे, ठीक है। ऐसे ही आप बी करके लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जिसमें आप ओपनिंग स्टॉक, आपको पता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में क्या क्या आता है, वो सारे आइटम्स लिखेंगे आप। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, परचेज रिटर्न लेस होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, उसमें से हम क्लोजिंग स्टॉक लेस करके दिखाते हैं। परचेज में से परचेज रिटर्न लेस करके दिखाया, वो हमने पहले कॉलम में लिखा है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस और जो उसका अमाउंट आया वो हमने दूसरे कॉलम में दिखाया है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस और क्लोजिंग स्टॉक को लेस करके हमने सेम दूसरे कॉलम में दिखाया है, और उसका जो अमाउंट आया वो हमने तीसरे कॉलम में दिखाया, ठीक है। ऐसे ही इसका सी आप लिख लेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कि ए माइनस बी, ए में से आप बी माइनस कर देंगे, जो अमाउंट आएगा वो आप सी साइड सी कॉलम में लिख देंगे, यानी कि थर्ड कॉलम में। डी है आपका ओपनिंग एक्सपेंसेस, ओपनिंग एक्सपेंसेस आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, वो आप लिख लेंगे सेकंड कॉलम में। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, वो आप लिख लेंगे सेकंड कॉलम में। मिसलेनियस एक्सपेंसेस, वो आप लिख लेंगे सेकंड कॉलम में। ई पार्ट है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसमें से आप सी में से डी को माइनस कर देंगे, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट जो आंसर आया था उसमें से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे, तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल आएगा। ये सब फॉर्मूले हैं, बस एक चार्ट आपको एक स्टेटमेंट के रूप में बता दिया गया है। आर्यन, आपको जो भी डाउट है बेटा मैं आपकी शक्ल देखकर ही बताऊंगी अपना इस क्लास को ओवर करने के बाद, ठीक है। ड्यूरिंग द क्लास आई विल नॉट टेल यू, अपने डाउट्स आप बचा के रखिएगा, ठीक है। अब है आपका एफ, यानी कि नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। जो हमारा नेट प्रॉफिट निकला सबको हमने ऐड कर लिया, उसको हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। फिर आ गया आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट, वो तो था आपका कैपिटल, मतलब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट, ये है आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट वर्टिकल फॉर्म में। ये आपके एग्जाम में नहीं आता है बच्चों, फिर भी मैं आपको बता रही हूं ताकि आपको पता सब होना चाहिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए। पर्टिकुलर्स अमाउंट, अमाउंट यानी कि डेबिट और क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। सोर्सेस ऑफ फंड्स है,
सकते हैं सोर्सेस ऑफ फंड्स, उसमें आप ए लिखेंगे प्रोप्राइटर फंड्स, कैपिटल उसमें आप नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे, ड्रॉइंग्स लेस करेंगे, ठीक है, जो अमाउंट आएगा वो आप दूसरे कॉलम में टोटल करके लिख लेंगे। यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं है, यहाँ पर आपको जस्ट अमाउंट अमाउंट का कॉलम, यानी कि एक साइड आप दिखाएंगे टोटलिंग करते हुए, दूसरे साइड खाली अमाउंट लिखेंगे। बी है आपका लॉन्ग टर्म डेट, यहाँ पर आप जो भी आपका अमाउंट आएगा वो लिख लेंगे और दोनों को ऐड करके टोटल लिख देंगे। फिर आएगा आपका एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, जिसमें आप सी में लिखेंगे फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स में आपका लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्स्चर्स, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल्स, वो सबका अमाउंट लिख लेंगे आप और इन सबका टोटल करके आप दूसरे कॉलम में दिखाएंगे। डी पार्ट है आपका इन्वेस्टमेंट, वो आप लिख लेंगे। ई पार्ट है आपका वर्किंग कैपिटल, जिसमें आप करेंट एसेट्स दिखाएंगे, उसमें से करेंट लाइबिलिटीज लेस करेंगे वो दिखाएंगे, और टोटल अमाउंट जो भी आया डिफरेंस वो आप टोटल के नाम से लिख देंगे जब आप दोनों सबका टोटल कर लेंगे। ये आपके वर्टिकल फॉर्म के थे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के और बैलेंस शीट। इसी में हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपको कॉपी में जरूर करना है, ठीक है, आए या नहीं आए एग्जाम में, प्रिपेयर तो आपको करके रखना है। कुछ बैलेंसेज हैं जो दिए हुए हैं कमल ट्रेडर्स के, ठीक है, 31 मार्च 2017। अब आपको इसमें से क्लोजिंग स्टॉक हमें बाहर की तरफ दे रखा है, आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट भी बनानी है वर्टिकल फॉर्मेट में, मतलब दोनों हमें वर्टिकल फॉर्मेट में बनाना है। तो वो हमने देख लिया, एक बार वर्टिकल फॉर्म में हमने देखा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। हमने तीन कॉलम बना लिए अकाउंट्स के, ठीक है, अमाउंट के जितने भी अमाउंट है उनके हमने कॉलम बना लिए। सबसे पहले हमने ए लिखा नेट सेल्स, उसमें जो भी हमें गिवन था दोनों हमने सेल्स में से सेल्स रिटर्न लेस करके दूसरे कॉलम में, जो अमाउंट आया वो हमने तीसरे कॉलम में दिखाया। फिर बी पार्ट लिखा हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, उसमें आपने ओपनिंग स्टॉक लिख दिया दूसरे कॉलम में, परचेज में से परचेज रिटर्न लेस करके पहले ही कॉलम में दिखाया और अमाउंट लिखा सेकंड कॉलम में, पार एंड फ्यूल लिखा, वेजेस लिखा, कैरेज इनवर्ड लिखा और क्लोजिंग स्टॉक लिखा, मतलब वो हर चीज जो हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं वो हमने यहाँ लिख ली है, जो टोटल आया अमाउंट वो हमने लिख दिया दूसरे तीसरे कॉलम में, ठीक है। अब ग्रॉस प्रॉफिट हमने निकाला पहले में से, यानी कि ए में से बी को माइनस करके दिखाया, ठीक है, और अमाउंट लिख दिया थर्ड कॉलम में। डी पार्ट है आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखा आपने, उसमें सारे जितने आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो सब लिखे आपने, ठीक है, या नॉन ऑपरेटिंग, मतलब यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखे आपने जितने भी हैं वो आपने लिख दिए सेकंड कॉलम में, उनको ऐड करके दिखाया थर्ड कॉलम में। फिर ई में आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाया, जिससे आपने ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी कि सी में से डी को लेस करके जो अमाउंट आया वो लिख दिया थर्ड कॉलम में, ठीक है, उसमें से आपने उस अमाउंट में से इंटरेस्ट ऑन लोन को लेस करके दिखाया, जो अमाउंट आया वो आपका एस से लिखा आपने नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, सारा आपने अमाउंट ऐड कर लिया, उसके बाद आपका नेट प्रॉफिट निकल आया। अब हमने बैलेंस शीट बनाई, कमल ट्रेडर्स की, पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले सोर्सेज ऑफ फंड्स लिखे, ए में आपका प्रोपराइटर फंड्स, यानी कि जितना भी दे रखा है, कैपिटल नेट प्रॉफिट ऐड किया, ड्रॉइंग्स लेस करके दिखाया पहले उसमें और अमाउंट लिख दिया दूसरे कॉलम, ठीक है, बी में लॉन्ग टर्म डेट्स दिखाए और फिर दोनों को टोटल करके दूसरे अमाउंट वाले कॉलम में दिखा दिया। फिर आपका एप्लीकेशन ऑफ फंड्स आया, जिसमें हमने सी दिखाया फिक्स एसेट्स, उसमें हमने सारे फिक्स एसेट्स लिखे, सबको ऐड करके पहले कॉलम में और टोटल अमाउंट दिखाया दूसरे कॉलम में। फिर आपने डी पार्ट लिखा इन्वेस्टमेंट, वो आपने दूसरे कॉलम में दिखाया डायरेक्ट। फिर आपने ई पार्ट लिखा वर्किंग कैपिटल,
वो आपने उसमें करंट एसेट्स दिखा दिया, सन्ड्री डेटर्स दिखाए, बैंक क्लोजिंग स्टॉक दिखाया, तीनों को ऐड करके पहले कॉलम में लिखा, फिर उसमें से आपने करंट लायबिलिटीज लेस करी और जो अमाउंट आया वो आपने दूसरे कॉलम में लिखा। ऐसे ही हमने ए बी सी डी ई को सबको ऐड करके हमारा निकल जो अमाउंट आया वो हमारा टोटल हो गया, यानी कि यहाँ पर अलग हो गया, एक तो ए और बी का टोटल अलग हो गया यानी कि सोर्स फंड्स का टोटल अलग हो गया और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स का टोटल अलग हो गया, दोनों टोटल हमारे मैच कर गए, हमारी वर्टिकल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट सही बन गई। ठीक है, तो आज का हमारा ये टॉपिक और हमारा ये चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट खत्म होता है। अब आप लोग अपनी वीडियोस ओपन करिए, जिसको भी मुझसे डाउट पूछना है। रेज योर हैंड्स आर्यन। यस आर्यन पूछिए बेटा। मैम ये मिसलेनियस एक्सपेंस क्या है? बेटा मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं, आप बोल सकते हो जो खर्चे आपने सोचे नहीं है और ऑल ऑफ अ सडन हो जाए, चोरी हो गई आपने नहीं सोचा था, आग लग गई, ये प्री प्लान नहीं था, ये सारे मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं। मिसलेनियस इनकम भी ऐसी ही होती है, जैसे अब हमने रद्दी बेच दी, न्यूज पेपर बेच दिए, डिसाइडेड तो नहीं था ना, ऑल ऑफ अ सडन हमें मिल गया, यानी कि जो सर्टेन चीजें होती है यानी कि सर्टेन खर्चे हुए तो वो मिसलेनियस एक्सपेंसेस, और सर्टेन इनकम हुई वो हमारी मिसलेनियस इनकम होती है, जो हम जो ना हम सोचते हैं ना डिसाइड करते हैं। ठीक है मैम, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके वो खर्चे होते हैं बेटा, जब आप बिजनेस में जब हम ट्रेडिंग कर लेते हैं उसके बाद हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखते हैं कि हमारे वो बिजनेस एक्टिविटीज में जितना भी शुरुआत में ऑपरेशन के टाइम में जितने भी हम जब हम एंटरप्राइज में कोई भी हम बिजनेस एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है, शुरुआत में तो वो हमारे सारे ऑपरेटिंग बिजनेस एक्टिविटीज कहलाती है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जितने होते हैं वो हमारे ऑपरेटिंग बिजनेस एक्टिविटीज में जितने भी हम एक्सपेंसेस करते हैं उनको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। ठीक है, एनी अदर नो मैम। ठीक है, अब चिल्ड्रन आपको किसी को भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। Anshika, you want to ask something? Open your video, Anshika. Acha, open it. Okay. Yes, Anshika. मैम मेरे को बस इतना पूछना था, मैंने बुक लेके आई हूँ, आप बस एक बार देख लीजिए यही बुक है या दूसरी है। Okay, show me. साइड से दिखाओ बेटा, साइड से कॉर्नर 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 दिखाओ, बिल्कुल सही बुक है बेटा, अभी लेकर आए हो ना, सीबीएसई डीके गोयल, बिल्कुल सही बुक है। यस मैम। और जो मैं क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराती हूँ बेटा वो आपके डीके गोयल में नहीं होते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चंस मैं आपको अलग से प्रैक्टिस करने के लिए देती हूँ और होमवर्क के लिए देती हूँ, क्योंकि एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, तो आपकी मैं प्रिपरेशन आप डीके गोयल से साइड बाय साइड करते रहिए प्रिपरेशन, उसके क्वेश्चंस भी करिए, बट मैं जो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देती हूँ आप वो भी करिए कॉपी में, इसलिए तो मैं आपको होमवर्क देती हूँ। जस्ट आफ्टर दिस क्लास मैं आपके साथ ही पीडीएफ शेयर करूंगी और आपको होमवर्क दूंगी, आप होमवर्क टाइम से करिए, आपके पास लास्ट 1 वीक है टू कम्प्लीट योर होमवर्क ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। न्यू एडमिशन्स जो हैं बच्चों आप हेल्प लीजिए, ग्रुप में पूछिए बच्चों से, ठीक है, टीचर्स से पूछिए, बट आप भी कंप्लीट करने की कोशिश करिए। ठीक है चिल्ड्रन, इन द थर्ड पीरियड मैं आपको बी
इसके चैप्टर 6 का रिवीजन करवाऊंगी, ठीक है। आज हमारे ये चैप्टर फिनिश हो गए, कल से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है चिल्ड्रन। किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, नहीं है? ओके ठीक है, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।